नेशनल हाईवे गांव बंचारी के निकट स्थित नई बस बनाने वाली JBN कंपनी से बगैर नोटिस दिए निकाले गए सैकड़ों कर्मचारियों ने सोमवार को होडल ब्लॉक के सरपंचों के साथ साथ गांव बंचारी के पंचायत घर में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में कर्मचारियों ने सरपंचों को JBN कंपनी के अधिकारियों के द्वारा लोकल कर्मचारियों के साथ हो रही परेशानियों से अवगत कराया। कर्मचारियों ने यह ब्लॉक के सरपंचों को अपनी मांगों से भी अवगत कराया। कर्मचारियों की मांगों को देख सभी सरपंचों ने बैठक में यह फैसला लिया कि दो दिन बाद 19 जून को सरपंचों व कर्मचारियों का एक शिष्टमंडल कंपनी के आला अधिकारियों से मिलेगा और कर्मचारियों की मांगों व निकाले गए कर्मचारियों को वापस कंपनी में लेने पर बात करेगा। सरपंचों ने यहां कर्मचारियों से कहा कि जब तक कंपनी के आला अधिकारियों से उनकी बातचीत नहीं हो जाती तब तक सभी कर्मचारी कंपनी के गेट पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जिस टाइम पर JBN कंपनी आई थी, जब JBN कंपनी ने बोला था कि हम लोकल बच्चे रखेंगे, मेरी खुद की उनसे इस मसले पर दो बार बात भी हुई थी और उस दिन से वो लोकल बच्चे नहीं भी रहे थे। उनकी 19 तारीख को 11 बजे सरपंच रहेंगे और बच्चे धरना बैठेंगे शांत रूप से और हम भीतर जाकर मीटिंग करेंगे। तो मेरी लगातार बातचीत है रही है कंपनी से, तो बच्चे ले ली जाएंगे सारे बच्चे। तो आपको विश्वास है कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद सारे बच्चों को दोबारा से कंपनी में ले लिया जाएगा? हाँ, विश्वास है। इसके अलावा सरपंच साहब, जैसे मान रहे बंचारी की जमीन पर है कंपनी और ये भी मानना है कि हरियाणा सरकार का 75% बच्चे लोकल लिए जाएंगे, तो इस हिसाब के तौर से तो और भी बच्चे लग सकते हैं आपके आसपास? कानून ये है, जहाँ की जमीन जा रही है, दुष्यंत जी ने, खट्टर जी ने पहले बना रखी है कानून, जहाँ की जमीन जाएगी वहाँ 75% लोकल बच्चे रहेंगे। फिर भी इन बच्चों को हटाया गया है तो कंपनी के अब क्या ले लेंगे आप जब आप सब मीटिंग करेंगे उनसे? अब देखो, मीटिंग है 19 तारीख को, क्या हल निकलता है, सही रहेगा काम, कुल मिला के ये बात है, अच्छा ही काम रहेगा, बच्चे निकलेंगे ना। और जो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं हम उनके साथ नहीं हैं, जो उधम कर रहे हैं भीतर कुछ कर रहे हैं उनके साथ नहीं हैं हम, तो ऐसा बच्चे वैसे है ना। जो जायज मांगे हैं उनको मनवा लिया जाएगा? जो जायज मांगे वो मनवा लिए जाएंगे, हम वादा करते हैं।